सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले बीजेमआर के मारी कॉन्सेप्ट एडिटिंग, आप किस तरह से इस टाइप के एडिटिंग कर सकते हैं अपने पिक्सार्ट की मदद से। तो भाई, इस वीडियो में इसी फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए बिना स्किप किए। और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे बोलने चाहूँगा भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप मेरी वीडियो से मिस ना हो पाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को। तो दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम यहाँ से सेंड कर देंगे पिक्सार्ट ऐप में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे मैं इसे सेंड कर दूंगा पिक्सार्ट ऐप में। दोस्तों, पिक्सार्ट में आने के बाद हम इस बैकग्राउंड का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारी जो पिक क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही बेहतर प्रोवाइड हो। तो यहाँ से हम जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर आपको नजर आएगा रिसाइज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैं ऐड कर दूँगा 5000 और देखते हैं स्क्रीन पर क्या शो होता है। तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे 2749 शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट घटाकर यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ से 2748 डाल दूंगा और डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपने क्रॉप के मॉडल को। मैंने अपनी पिक को ऑलरेडी क्रॉप करके रखा है, अगर आपको क्रॉप करते नहीं आता तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, किस तरह से क्रॉप करना है मैंने बताया है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो ऑप्शन जाएंगे और यहाँ से हम ऐड करेंगे अपने क्रॉप के मॉडल को। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद हम अपने मॉडल का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे और बढ़ाने आपको कुछ इस तरह से नीचे लगा देना है और लगाने आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ से हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों, इसका हम अगला पीएनजी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम जाते हैं ऐड फोटो ऑप्शन में और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाले पीएनजी को सिलेक्ट करने में आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको कोने में इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ से मैं लगा देता हूँ और लगाने आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ से हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम ऐड करेंगे अगले पीएनजी को। तो यहाँ से हम ऐड फोटो ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करा है, इसे आपको थोड़ा सा रिसर्च कर देना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ से मैं लगा देता हूँ और लगाने आपको यहाँ पर चले जाना है ब्लाइंड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हम चले जाएंगे और यहाँ पर कर देना है आपको मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने को आपको थोड़ा सा ऑप्सिटी को लो कर देना है, यहाँ पर ऑप्सिटी ऑप्शन में जाकर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा लो कर देते हैं। लो करने को आपको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है इरेजर वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हम चले जाएंगे और इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर का ब्लैक इस तरह से हटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस तरह से हटा लेता हूँ और हटाने को आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ से हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम ऐड करेंगे कबूतर के पीएनजी को। तो यहाँ से हम ऐड फोटो ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कबूतर के पीएनजी को सेलेक्ट कर लिया है, आपको इस तरह से यहाँ पर रोटेट कर देना है। तो यहाँ से हम इस तरह से रोटेट कर देंगे और रोटेट करने आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा घुमा लेना है और घुमाने को आपको इस तरह से हवालदार के ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ से हम लगा देंगे और लगाने आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ से हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों, पीएनजी की जो सारी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होती है, अब हम अपनी फोटो में इफेक्ट ऐड करेंगे। तो वही इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हम चले जाएंगे। तो दोस्तों, फिल्टर वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे फिल्टर नजर आएंगे। तो भाई, जिसके पिक्सार्ट में सारे सारे फिल्टर नहीं आते, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है पिक्सार्ट अनलॉक वर्जन नाम से, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे मिल 3 का इफेक्ट। तो यहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर एक और बार टैप कर देना है। तो ऐसे हम टैप कर देंगे और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा फेड ऑप्शन बढ़ा देना है। तो ऐसे हम बढ़ा देंगे करीब यहाँ पर 50 कर देंगे और 50 करने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ से हम टिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से हमारी फोटो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है, अब आप इसे सेव कर सकते हैं। तो भाई, सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हम चले जाएंगे और ड्रॉ वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आएंगे, न्यू, सेव इमेज और सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो ऐसे आपको बीच वाले पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम क्लिक कर देंगे सेव इमेज पर, और सेव इमेज पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फोटो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी में सेव हो चुकी है। तो इस तरह से हमारी फोटो एडिटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही उस बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। तो भाई, आज के लिए इतना दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।